audience will get to see the same thing they got to see. They were enjoying. I believe when I got out, I got to know that you guys enjoyed our Nok Jok a lot. वो जो जिस तरह से मेरे पीछे पड़ रहती थी और मैं जिस तरह से नागिन नागिन बोल के उन्हें हटाता था, तो आपको परफॉर्मेंस में भी वही देखने मिलेगा. द मुद्दा इज सेम बिकॉज द कैरेक्टर्स व्हाट वी वर इनसाइड आर द सेम. आई वाज ऑलवेज रनिंग अवे एंड शी वाज ऑलवेज चेजिंग मी, सो आवाज़ भी बहुत आ रही उसकी. तो यही हो रहा था एक्चुअली. सॉन्ग होना तो उस पर ही था कि ये, पर इसमें एक वो लाइन है ना, मैं तेरा दुश्मन, तू मेरा, तो हम लोग दुश्मन नहीं थे कायदे से देखा जाए तो. देर वॉज नो दुश्मन. इट वॉज लाइक कि भाई मेरा पीछा छोड़ दे मेरी माँ, क्यों मेरा पीछा कर रही. नागिन वो ज़रूर थी, लेकिन मेरा ख्याल है उससे बड़ी नागिन शायद सब लोग दिखाना चाहते कि शिल्पा है. मुझे पता नहीं, दिखाना चाहता ट्रायो को फोड़ना था वो. आई थिंक अभी बाहर निकलने के बाद में शायद तीसरा कोई रीज़न बताएंगे. तो जब वो बता दें, एक बार मेरे से सलमान सर ने भी यही सवाल पूछा था स्टेज पे, तो एक बार वो क्लियर हो जाए कि उन्होंने क्यों निकाला, उसके बाद हमें समझ में आएगा. क्योंकि अभी तक मिस्ट्री है, मेरे लिए मिस्ट्री है. मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए ज़िंदगी में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो वो घर में हो गया उसको वहीं रहने देना चाहिए. बेटर है फॉरगेट इट. यू डिड व्हाट यू वांट टू, I did what I want to. We move on. Okay, fine. ये अफसोस है कि उनसे उम्मीद नहीं की गई थी ऐसा, क्योंकि मैंने उनका क्या, मैंने शायद किसी का कोई बुरा किया ही नहीं घर में. बट हाँ, दूसरे लोग किस तरह से गेम खेल रहे थे, क्या थे, समझ में आ रहा था. बिकॉज शी हैड नथिंग टू फियर अबाउट. आई मीन अगर दूसरे लोग करते, फॉर एग्जाम्पल जिनको डर है, अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर भी हूँ उनके लिए, तो मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे रख के स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर के साथ में करना चाहिए कॉम्पिटिशन, ना कि वीक्स के साथ में. तो कोई भी जीत के आगे जा सकता है, तो मेरे हिसाब से उन्हें वो डर नहीं होना चाहिए था. बट एनी वे दैट्स व्हाट शी सेड. कौन जीतना चाहिए, मेरे हिसाब से तो विकास जीतना चाहिए 100%. सी देखिए, दिमाग चलाया, सब कुछ किया. मैं सिर्फ ये, मैं वो देखूंगा कि वहाँ अंदर मुझे तीन लोगों ने सपोर्ट किया उस वक्त. वैसे मुझे दो लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, वन वॉज विकास एंड वन वॉज अर्श, विच आई विल नॉट लाइ, विच इज़ लाइक वेरी क्लियर कि हर टाइम दे वर लाइक के अफकोर्स दोनों एक दूसरे के लिए पहले थे. पहले अर्शी बोलती थी फर्स्ट इज विकास एंड देन इज हितेन, एंड विकास विष्णु से फर्स्ट इज हितेन एंड देन इज अर्श. तो ये उन्होंने रखा है. और जब बारी आई वोट देने की, तो उन्होंने अर्शी, विकास एंड पुनीश के भी वोट्स, रेस्ट अदर्स वोटेड मी आउट. द मेन वोट वॉज शिल्पाज वोट, विच एवरीबडी थॉट के डेफिनेटली शील से ही थे, बिकॉज कभी कुछ किया नहीं. और जैसे भी हो मेरे, हाँ सॉरी, जैसे भी हो मेरी तरफ से मेरा जो स्टाइल था सपोर्ट लेने का, वैसे मैंने सपोर्ट लिया था उनके लिए, किया था, लेकिन शी वोटेड मी आउट, तो आई वोट आउट. तो मुझे नहीं लगा कि विकास ने कुछ किया है, गलत किया है. वो चाहता तो हाँ शिल्पा को कन्विंस कर सकता था, क्योंकि वो हर टास्क में कन्विंस करता था लोगों को, कोशिश करता था. बट आई थिंक वो मेंटल फ्रेम ऐसा था उस वक्त कि शिट व्हाट हैपेंड, कि ये क्या हो गया सडनली कि इधर वोट तीन आए और इधर चार वोट हो गए, जो एक्सपेक्टेड नहीं था. तो हो सकता है कि इट वॉज इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड. बस थैंक यू, लव.